सावधान हो जाइए क्योंकि राजधानी देहरादून में वाहनों की फर्जी इंश्योरेंस करने वाला रैकेट सक्रिय है जो कभी भी आपको अपना निशाना बना सकता है। एक ट्रैक्टर के फर्जी इंश्योरेंस का मामला देहरादून में सामने आया है। फर्जी इंश्योरेंस रैकेट से जुड़े लोग वाहनों के इंश्योरेंस के फर्जी कागज बनाकर वाहन स्वामियों के साथ धोखा कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी ये रैकेट सक्रिय है। ताजा मामला एक ट्रैक्टर के इंश्योरेंस से जुड़ा है। इंश्योरेंस कागज फर्जी मिलने पर आरटीओ ने मालिक को नोटिस जारी किया था। मालिक फर्जीवाड़े का आरोप इंश्योरेंस एजेंट पर लगा रहा है। उधर ट्रैक्टर मालिक की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं आरटीओ की ओर से भी जांच कराई जा रही है। हमारे एक ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हुआ था तो उसके संबंध में किसी ने कम्प्लेन की कि इसका जो बीमा बना हुआ है वो संदिग्ध प्रतीत है, तो उसके लिए हमने जिस भी कंपनी का वो बीमा बना था उसको हमने लिखा, तो बीमा कंपनी के द्वारा ये बताया गया है कि ये बीमा जो है हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया, तो हमने संबंधित जो वाहन स्वामी है उसको नोटिस जारी किया है। आरटीओ द्वारिका प्रसाद ने बताया कि आरटीओ में एक ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हुआ था जिसका बीमा संदिग्ध लगा। इसके लिए जिस कंपनी का बीमा था उस कंपनी से जांच करवाई। वहीं बीमा कंपनी की ओर से बताया यह बीमा हमारी तरफ से जारी नहीं हुआ है। इसके बाद विभाग ने वाहन स्वामी को नोटिस जारी किया। उधर वाहन स्वामी ने जिस कंपनी से बीमा करवाया है उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही आरटीओ कार्यालय भी अपने स्तर पर भी जांच कर रहा है। वहीं विभाग ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बीमा कंपनी की भी जांच की जाए। हम जो भी कंपनियां हैं वो जो रजिस्टर्ड कंपनी है जिनका ऑनलाइन सारे डिटेल दिख रही है, तो वाहन स्वामी से अनुरोध है कि ऐसी कंपनी से अपने बीमा करें और फर्जी जो बीमा एजेंट है उन लोगों से बचें। फर्जी इंश्योरेंस के मामले में आरटीओ देहरादून ने वाहन स्वामी को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मामले की जांच भी की जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि फर्जी इंश्योरेंस करने वाला एक गिरोह कब कानून की गिरफ्त में होगा।